ओम मगोरेभ्यो तुगोरेभ्यो गोरगोरत्रेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। एक बात तो तय है कि जो व्यक्ति अघोर मंत्र को सिद्ध कर लेता है, एक अघोर शिव साधना यानी कि घोर से भी घोर, जिसे अघोर कहा जाता है, जो कि साक्षात भगवान शिव की साधना है, क्योंकि उनका पार पाना असंभव है। ब्रह्मा और विष्णु भी उनका पार नहीं पा पाए थे, इसलिए उन्हें अघोर कहा गया है, यानी घोर से बेघोर एक ऐसे प्रकाश की ताकत का साक्षात दर्शन करना, यानी कि उस शक्ति को छू लेना जहाँ पे भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। हमारे कई ऋषि मनीषी अंकोल के वृक्ष, आग के वृक्ष और बिलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके अघोर मंत्र को सिद्ध किया करते थे। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस मंत्र को सफेद आग के वृक्ष के नीचे बैठ करके कई लाखों जप करके सिद्ध कर लिया जाता था, जिससे कि हर प्रकार की व्यक्ति को अनुभूतियां शीघ्र मिल जाती थी। प्रत्येक साधक के जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के और आगे बढ़ने का एक आसान सा मार्ग है, क्योंकि जिसने इस अघोरत्व को प्राप्त कर लिया है वह तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर ही लेगा, और अगर जो अघोर मंत्र को सिद्ध नहीं करता है तो जीवन जीने का हर एक अंदाज व्यर्थ ही है और वह अपना समय व्यर्थ गंवा देता है। और विशिष्ट रूप से श्रावण के महीने में, क्योंकि सावन का प्रत्येक सोमवार एक सिद्ध मुहूर्त होता है, कभी चार सोमवार आते हैं, कभी पांच सोमवार आते हैं, कभी छह सोमवार आते हैं, इस प्रकार से प्रत्येक सोमवार को सिद्ध मुहूर्त होता है, और किसी भी सावन के सोमवार को इस मंत्र के जप को शुरू किया जा सकता है। इसे शुरू करने के कुछ ही दिनों में ही इस साधना से व्यक्ति को सर्वप्रथम ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के तंत्र से भी उसकी रक्षा होती है। अगर कोई पुराना मंत्र तंत्र दोष भी अगर उस व्यक्ति के जीवन में हो तो वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। साधना के समय शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, यानी कि अघोर मंत्र है ही एक ऐसा चमत्कारी और ताकतवर मंत्र कि जैसे जैसे व्यक्ति इसका निरंतर जप करता है तो शरीर में एक गर्मी का आभास होता है, मगर साधक को निडरता से जप करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और ना ही साधना को बीच में छोड़ना चाहिए। इस अघोर साधना के दौरान किस प्रकार के दुर्गंध, सुगंध, डरावनी आवाजें, दुस्वप्न, हर प्रकार के इस प्रकार के जो एक साधना को विचलित करने की एक प्रक्रिया होती है, एक सामान्य प्रक्रिया जिसे कहा जाता है, जो शुरू होती है, मगर उनसे विचलित ना हुए निरंतर इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए, क्योंकि इस साधना के माध्यम से भोले बाबा भगवान शिव अपने साधकों को, अपने भक्तों को स्वप्नावस्था में दर्शन भी प्रदान कर देते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है, और इस प्रकार से भगवान शिव की प्रार्थना भी करनी चाहिए। जय शंभो विभो अघोरेभ्य स्वयंभो जय शंकर जयेश्वर जय शान जय जय सर्वज्ञ कामदम, इस प्रकार से भगवान शिव का ध्यान अवश्य करना चाहिए और तत्पश्चात अघोर मंत्र का जप करना चाहिए। अघोर मंत्र का जप विशिष्ट रूप से बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे, आग के वृक्ष के नीचे, और आग में भी सफेद आग, इसमें आपने देखा होगा सफेद आग के पुष्प उगते हैं जो कि महादेव के अति प्रिय होते हैं, तो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके, उसके समीप बैठ करके भी किया जा सकता है, क्योंकि आग का वृक्ष जो होता है उसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उसके पास बैठ करके साधना की जा सकती है, संपन्न की जा सकती है। प्राचीन काल में कई योगी, कलयुग में भी कई योगियों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है, आग के वृक्ष के नीचे बैठ करके कठोरता से निरंतर वर्षा, अग्नि, सर्दी
हर प्रकार के दुखों को सहन करते हुए इस मंत्र का निरंतर वे जप करते थे और उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की शक्तियां आठों अमराय उनको सिद्ध हो जाती थी, जिनके अंदर भूमि गमन, आकाश गमन, वायु गमन और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी कि एक जगह स्थान पर बैठ करके चारों धामों के दर्शन कर लेना, ये सभी सिद्धियां इस मंत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र, जैसे स्वयंभू शिवलिंग होता है उसी प्रकार से यह स्वयं सिद्ध मंत्र है और भगवान शिव का ताकतवर मंत्र माना गया है। व्यक्ति को ईशान दिशा की तरफ मुख करके साधना का जप करना चाहिए। आसन और वस्त्र अगर हो सके तो काले ही उत्तम होते हैं, क्योंकि अघोर मंत्र के जप में काले वस्त्रों का प्रयोग, काला ही आसन का ही प्रयोग आप कर सकते हैं और रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला से जप किया जा सकता है। और अगर आपको बिलपत्र या सफ़ेद आग का पेड़ ना मिले तो आप शिव मंदिर में शिवलिंग के समीप बैठ करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा इस मंत्र को कहीं भी सिद्ध जागृत कर ही किया ही नहीं जा सकता है, ना ही मंत्र सिद्ध होता है। इसलिए ये स्थान बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और कम से शुरुआत करके निरंतर माला को बढ़ाना चाहिए, और माला जब बढ़ाएं तो उससे एक माला भी कम ना करें। और जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होगा, ये आपकी क्षमता पर है कि आप एक दिन में कितना जप करते हैं, 2 घंटा जप करते हैं, 4 घंटा जप करते हैं, 6 घंटा जप करते हैं, क्योंकि इस मंत्र को 2400 घंटे जप किया जा सकता है और इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है। रात्रिकाल में, अर्धरात्रिकाल में, प्रातःकाल में, ब्रह्म वेला में, निशा रात्रि में, दोपहर को, किसी भी वक्त इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है और व्रती रह करके भी सिद्ध कर सकते हैं। व्रती रहने वालों को जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है, यानी कि फल और दूध का आहार लेकर के, और अगर ये भी नामुमकिन हो तो मात्र एक समय भोजन करके भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। मगर फल और दूध का आहार लेकर के जो व्यक्ति मंत्र को सिद्ध करता है उसे जल्दी सिद्धि मिल जाती है उन व्यक्तियों की तुलना में जो कि भोजन करके सिद्धियां करते हैं। इसलिए व्रति रह करके भी इस मंत्र को सिद्ध करें, और जैसे जैसे मंत्र सिद्ध होगा विशेष रूप से शक्तियाँ आपको मिलती ही चली जाएगी, और जो कुंडलिनी जागरण कई वर्षों की तपस्या के बाद भी व्यक्ति को हासिल नहीं होता है, इस मंत्र के प्रभाव से, इस मंत्र के सिद्ध होने के बाद में स्वतः ही सारी कुंडलियां जागृत हो जाती है और किसी प्रकार की कोई विशेष योगिक क्रिया करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, बस यह इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाना जरूरी है। और जब यह मंत्र स्वयं सिद्ध होता है तो इसका आभास स्वयं व्यक्ति को होता है और साक्षात भगवान शिव के दर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तब ही इस मंत्र की सिद्धि मानी जाती है, नहीं तो इस मंत्र की सिद्धि नहीं मानी जाती है। क्योंकि शक्तियां पहले भी आ सकती है, तो कई व्यक्ति शक्तियों को ढकोलसा बना करके लोगों को दिखाते फिरते हैं और अपनी शक्तियां लोगों के सामने जाहिर करते हैं, जो कि गलत है। इससे उस व्यक्ति की सिद्धि ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, वो सिद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए सिद्धियों को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, आवश्यक होने पर ही उस व्यक्ति को उक्त शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन अघोर मंत्रों को कई लामाओं ने भी सिद्ध किया है। बद्रिकाश्रम में प्राचीन काल में जब भारत पर बौद्ध आक्रमण हुए तो बद्रीनाथ की मूर्ति तक को भी नदी में प्रवाहित कर दिया था, जिसे बाद में शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने पुनः उस मूर्ति को नदी से निकाल करके मंदिर में स्थापित किया था। सारे शास्त्र यहाँ के वो लेकर चले गए थे और उन्होंने उन मंत्रों को, अघोर मंत्रों को उन पहाड़ियों में, हिमालय में सिद्ध किया है और वहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इसलिए यह विद्याएं आज भी विद्यमान हैं और अवश्य हमें अघोर मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए और इनको सिद्ध करके जन कल्याण करना चाहिए, ना कि जादूगर की तरह दिखावा करना चाहिए। धन्यवाद।